पापा का बैग और पीछे मेरा बैग। हम लोग निकल लिए तो हमारी ट्रिप जो है ये हमारे रो मतलब गाँव से लेकर मसूरी आगे भी एक्सटेंड हो सकती है। बाइक आ रहा हम लोग निकल रहे हैं, बस अभी आ चुके हैं अपनी कार के पास। एक बार लोडिंग करते हैं फिर बात करते हैं। हमारे टीम मेंबर आगे निकल लिए हैं क्योंकि गाड़ी हम लोगों ने एक्चुअली अपने रूम से थोड़ा आगे पार्क कर रखी है, तो बस गाड़ी तक चल रहे हैं फिर गाड़ी में बैठ के आगे निकलना है। अभी मैं हूँ, दो लोग आगे हैं, एक मेरी ट्रायो यू नो वो पीछे है गाइस, उसका वेट कर रहे हैं हम लोग। वो भी आ रही गाइस, चलो आ गए फिलहाल गाड़ी में हम लोग, चल रहे हैं रखने सामान। गाइस वेलकम गाइस, क्या हो गया? इस ट्रिप के लिए मैंने इसको मंगाया है, इस कपड़े को प्रॉपर है तो ये 10,000 का, बट क्या करूँ दिखाने के लिए मंगा लिया गाइस क्योंकि हमें जाना था ट्रिप पे। गाइस तो हम निकल चुके हैं, हम अभी चार हैं, अभी तो ज्यादा दूर नहीं, बस डीएलएफ के पास में पहुंचे हुए हैं, अभी ज्यादा दूर नहीं है, अभी बस 2 मिनट का रास्ता है। अगर वापस मूड बने तो रूम पे भी जा सकते हैं, बट फिलहाल जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। हाँ गाइस यहाँ पे देखो लीकेज हो गया, आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा दिन हुआ है। आप यहाँ पे इमेजिन कर सकते हो कितना प्यारा माहौल लग रहा है भाई। मैं तो ये ट्रिप मेरे लिए बहुत अच्छी रहेगी, मैंने सही डिसीजन लिया। वैसे मेरा आने का मन नहीं था गाइस, पर मैं आया हूँ। बाहर जो इसमें लाइट कैसे इतनी, अच्छा यहाँ पे चल गई। सॉरी गाइज, मतलब मैं गाली नहीं देता हूँ, थोड़ा बहुत ऐसे प्रोनंसिएशन ऐसी हो चुकी है इंग्लिश की मेरी, यू नो आई एम जस्ट ऑलवेज टॉकिंग इन इंग्लिश, सो दैट्स व्हाई थोड़ा बहुत ऐसा इधर उधर हो जाता है गाइज। गाइज देख रहे हो ये लोग कैसे मेरी इंग्लिश का मजाक बनाए। डोंट वरी गाइज, आपको दिख नहीं रही है पर कोई बात नहीं, मैं इमेजिन कर लो गाइज। टनल का मैं आपको ओवरव्यू दिखा दूँ, तब तक देखना गाइस। बड़ा प्यारा, मतलब गाइस क्या होता हूँ आपको, लिटरली बड़ा प्यारा लग रहा है। आप देखो एक बार, समझो कितना प्यारा लग रहा है। हम आ चुके हैं उत्तराखंड की धरती पे, हमारा स्वागत है भगवान शंकर की धरती पे। हमारा पहला चरण स्पर्श, अभी चरण हमने नहीं रखा पर हमारी गाड़ी ने चरण रख दिया गाइस, तो बस भगवान शंकर की दुआ बनी रहे, अच्छे से ट्रिप हो जाए। बहन से खूब पैसा भगवान दे हम लोगों को धरती पे, कमा कमा के हम थक जाएं, इतना पैसा दें हर गरीबों को हम लोग दान करें फ्री में, उनको इतना खिलाएं पिलाएं खुश रहें गाइस। तो भगवान शंकर की दुआ के साथ साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और अपने सफर को कंटिन्यू ऐसे करेंगे गाइस। यहाँ पे ना कसम से बहुत सकरी गलियाँ हैं, सकरी इन द सेंस समझ रहे हो, बहुत मतलब छोटी छोटी टेढ़ी मेढ़ी गलियाँ हैं गाइस। और एक तो पहाड़ के ऊपर हैं, हम पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं हम, तो गाइस ऐसा है ना जैसे मैं तो पैदल चढ़ ले रहा हूँ, ये लोग नहीं चढ़ पा रहे हैं, मतलब मैं बैठ ले रहा हूँ पर तो। और गाइस कसम से आगे का व्यू देखो, इसलिए मुझे फ्रंट पे दिखाना पड़ रहा है आपको। देख रहे हो क्या प्यारा व्यू आ रहा है गाइस, और आपको ये अगर आपने मिस कर दिया तो आपने सोचा सब कुछ मिस कर दिया भाई। गाइस कसम से गाइस देख रहे हो गाइस, भाई भगवान के नाम पे मेरा मतलब ब्लॉग के लिए ऐसा ही बोल रहे, देख रहे हो गाइस ये कितना मतलब, देख रहे हो गाइस क्या प्यारा माहौल बन रहा है भाई साहब। आगे गाइस साहब गाइस, हाँ चलो ठीक है गाइस, 2 मिनट के लिए इसको स्नैप बनाते हैं, तब तक आप व्यू एंजॉय करो। चलो इसने भी स्नैप बनाना स्टार्ट कर दिया गाइस, देख रहे हो स्नैप लवर्स 1 2 3 4 एंड आल्सो मी नॉट फॉर लवर। गाइस 1 2 3 4 देख लिया क्या तगड़ा व्यू आ रहा है, बनाओगी सूत्रन बनाओ अगर चौथ देहरादून से तो मसूरी जाते हैं, तो पर मसूरी जा रहे थे ना हम लोग, तो तुमने तो देहरादून बोला ही नहीं था रास्ते में। हवाई जहाज नहीं है, मेरे पास गाड़ी है। पर तुम तो नहीं दिख रही हमारे ब्लॉग में बेबी बेबी। चलो ठीक है गाइस,
तो आपको इसे थोड़ा थोड़ा करके मैं ब्लॉग देता रहूंगा. मतलब कुछ तो कहना चाह रहा था पर भूल गया गाइस. कोई बात नहीं, लव यू, बी एट श्री. बात है गाइस, मुझे पता है मैं आपको बहुत अच्छा कंटेंट नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मैं वीडियो एडिटिंग नहीं कर पा रहा हूँ. हाँ हाँ कर दो, कर दो, कर दो, कर दो भाई, तुरंत करो, जो करना है करो, सब करो. देख रहे हो गाइस कि आर मैं YouTube से अपील करूंगा, प्लीज मुझे कॉपीराइट नहीं मारे क्योंकि हमारे कार में गाने चल रहे हैं. हमारे यहाँ दो लड़कियां हैं जो गाने भर भर के चलवा रही गाइज, तो हमारी कोई गलती नहीं है उसमें गाइज. कॉर्पोरेट कॉपीराइट नहीं आना चाहिए गाइज, कसम से तुम्हें मसूरी आना चाहिए गाइज. यहाँ मॉर्निंग वॉक मुझे दौड़ाओ करा के, मॉर्निंग वॉक ही बड़ा प्यारा चल रहा है इधर गाइज. चलो ठीक है गाइज, देख रहे हो क्या बाइकर बाइक राइडर्स कितने प्यार से इंजॉय कर रहे हैं गाइस. हमारे हम लोग रात में निकले थे, अब यहाँ पे सुबह हो गई. आप देख सकते हो कितना प्यारा व्यू हो रखा है. सुहू तुम पीछे आके बैठो, मुझे गाइस को दिखाना है अब. भाई तुम्हारे चारों पर्दे हटवा दिए, अभी रोजा में ऐसे बंदे उड़ दो सीधा घुटने पहाड़ पे चढ़ते. नहीं नहीं रहने दो, धूल आएगी. अरे उसी मैप में लगा लो ना, रास्ते में कहीं पेट्रोल पंप दिखा देगा. थोड़ा देवभूमि उत्तराखंड आगमन में आपका स्वागत हार्दिक. मंसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण गाइस, वेलकम टू मंसूरी भाई साहब. गाइस कसम से गाइस, मतलब आपको आना है तो आपको थोड़ा रिफ्रेशिंग सा लगेगा क्योंकि बहुत यहाँ पे आपको हर चीज में. एक्चुअली अभी मैं जिस चीज से इतना जूझ रहा हूँ गाइस कि मुझे यहाँ आना जरूरी था. मैं आ रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, हिम्मत आएगी गाइस, और फिर मैं आगे अच्छा सोच पाऊंगा अपने फ्यूचर के लिए, अपनी वाली के फ्यूचर के लिए. क्योंकि अभी वो बेचारी अभी ऐसी चीज़ों में है, वो आपको डिस्कस नहीं कर सकता हूँ मैं. बट हाँ ये है कि हाँ सब कुछ जिस दिन क्लियर होगा गाइस तो मैं आपको बताऊंगा. देख रहा गाइस का प्यारा व्यू है. अरे मादर चोद व्यू तो आने दो भाई, भी गांड मार रखी है भाई. ऐसे हमारे गाइस को मत बोलो सो, ठीक है ना भाई. तू एक स्नैप नहीं बनाने दे रहा यार अपनी बकचोदी के चक्कर में. बकचोदी नहीं, हमारा ये हमारा रोजी रोटी, हमारा इसे खाना चलता है हमारा. क्या है मसूरी में कहीं एक लोकेशन पे कहाँ रुके हैं भाई तनुज? क्या लगा हुआ है? जाओ जाओ कहीं भी जाओ, जाओ ना सब तुम्हारा है. हाँ यार आगे पेट्रोल टंकी भी है, जाके मैं देख लूँ उसी बहाने. गाइस हम ना अभी सीएनजी ढूंढ रहे हैं, ये लो पानी ले जाओ. हाँ अच्छा ठीक, नहीं मैं नहीं जा रहा. ठीक है तो गाइस अभी हम खड़े हैं यहाँ पे मसूरी में कहीं पेट्रोल टंकी पे, एक्चुअल में सीएनजी ढूंढ रहे थे तो अभी सीएनजी कहीं मिली नहीं, तो हम दोनों लोग अभी यहीं पे खड़े हैं. और तब तक हमारी दोस्त लोग जा रही हैं वॉशरूम, तो अभी हम यहाँ पर इंतजार करते हैं. मसूरी में कौन सी जगह पर आ गए भाई हम? कौन सी जगह पर आ गए तनुज भाई? कहाँ आ गए हम? देहरादून. देहरादून में अभी हम. मसूरी भी दूर है क्या यहाँ से? गाइस देहरादून में आ चुके हैं, मतलब समझ लो मसूरी मसूरी में ही है. तो बस अभी यहाँ पे चौराहे पे निकले हैं. ये भाई जब तक मेरा अपना काम कर रहा है तब तक हम लोग चल रहे हैं चाय पीने कहीं गाइस. और हम अभी खड़े हैं हाँ देहरादून में मद्दा, मद्दा करके है एक मद्दा देहरादून, आई थिंक होटल है रेस्टोरेंट है नहीं पता, बट अभी यहीं इसी के सामने खड़े हैं. तो बस यहाँ से भी निकलते हैं मसूरी पहुँचते हैं डेस्टिनेशन पे. और हम लोगों ने ऐसा काम किया गाइस कि आपको हैरानी होगी, हमने अभी तक कोई होटल बुकिंग नहीं करी है ना कुछ आइडिया, बस हम निकल लिए हैं गाइस. अब देखते हैं होटल वहाँ पे मिलता है कि नहीं मिलता है. वैसे उम्मीद तो है क्योंकि हम इतने उसमें नहीं आए हैं कि हमें होटल ना मिले, तो अभी बस इंतज़ार कर रहा हूँ कि चल के निकलूँगा. होटल अगर मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं गाड़ी में रुकेंगे आज के दिन. तो फिलहाल वैसे भी बस 10 मिनट के लिए स्नैप चाहिए, मतलब एक छोटी नैप लेके हम लोग निकल देंगे घूमने. मेरी ना तबीयत ख़राब हो रखी थी गाइस, पर अभी यहाँ पे इतना अच्छा फील हो रहा है कि लग रहा है कि तबीयत ख़राब ही नहीं हो रखी है. वैसे हो रखी है गाइस, बता नहीं सकता आपको कितनी है, पर है ख़राब हुई है बहुत ज़्यादा क्योंकि चीज़ें ऐसी है ही हैं. तो बस अभी के लिए आप लोगों को दिखाता हूँ, हमारे दोस्त लोग एक बार आ जाएँ. और आपको मैं एक बार यहाँ के लोकेशन का दिखा रहा हूँ कि वो कितना बढ़िया है लोकेशन है, थोड़ा सा कि हम चौराहे पे खड़े हैं और जेन्युइन अभी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देख के इंप्रूवमेंट. मतलब मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम मैं देहरादून आया हूँ. एक्चुअल में देहरादून तो मेरे लिए वैसे फेवरेट था क्योंकि मेरा फेवरेट स्टार यहाँ का है राघव जुवाल डांसर, तो मैं वैसे भी उससे मिलने के लिए यहाँ पे आता है देहरादून कभी ना कभी. बट अभी के लिए मैं अगर आया हूँ तो मैं चीज़ों को वैसे ही देख रहा हूँ. तो आपको एक बार यहाँ का मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ जल्दी से. और ये तनुज भाई आगे अभी छवि ले रखे हो. चलो ठीक है तनुज भाई हैं. हाँ जी दोनों लोग स्मार्ट लग रहे हैं गाइस, लुकिंग गाइस गुड. गाइस इस लोकेशन पे हम आके खड़े हैं इस पेट्रोल टंकी के पास, हमारी गाड़ी वहाँ पीछे लगी हुई है साइड में,
वो देखो गाइज पीछे लगी हुई है, यहाँ पे सीएनजी भी है नहीं, तो हम लोग बस निकल चुके हैं, यहाँ पे आके खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि अब देखते हैं कहाँ मिल जाए, क्योंकि ये बता रहा है घंटाघर, और एक्चुअल में हम कहीं नहीं आके, तो हमें पता कहाँ घंटाघर है। अभी बस ये इंटरनेट पे देख के पहुँचते हैं घंटाघर के पास, और अभी हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे, ये भंडार भट्टाचार्य युक्त करके कुछ है, यहीं पे हम खड़े हैं। तो बस ये यहाँ का इंडियन ऑयल, अपना इंडियन ऑयल, यहाँ से बस निकलते हैं आगे गाइस, चल रहे हैं, गाड़ी आ रही, भाई लेकर आ रहा है, फिर निकलते हैं हम आगे अपनी अलग डेस्टिनेशन के लिए, ठीक है गाइस। ये जैकेट मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा काम की है, नहीं तो ना एकदम हालत ख़राब हो जाती, ठंडी कसम से यहाँ पे है, ऊपर से हमारी एसी चल रही, भाई बंद कर दो यार एसी, एसी चलाने का क्या ही मतलब, अपनी सीएनजी और वेस्ट हो रही है, और अभी सीएनजी हम लोगों को मिल नहीं रही गाइस, तो फिलहाल तो अभी तो हम निकल लिए, हमारी दोस्त लोग गई कहाँ हमें खुद नहीं पता, कहीं वो पीछे चली जाए हमें ढूंढने के लिए, ऐसे कहाँ गया वो, इंडियन ऑयल पर गई है ना वो लोग, आई थिंक वहीं पर इंडियन ऑयल पर ही गई होंगी, तो हम अभी बस और चीज़ें देख रहे हैं गाइस, अगर सीएनजी मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर पेट्रोल डीजल ही लिखा हुआ है, तो उम्मीद तो नहीं है सीएनजी मिलने की, बट अभी चीज़ें अच्छी हैं, और कसम से मज़ा आ रहा है, मैं तो कहूँगा आपको अगर लगता है कि आप बहुत परेशान हो गए हो जिंदगी से, दुख कष्ट चल रहे हैं जिंदगी में एक साथ, वो खड़ी हैं वो लोग जिंदगी में दुख कष्ट सब एक साथ चल रहे हैं, तो आप एक छोटा सा ट्रिप बनाओ निकल लो, वैसे एक ट्रिप पॉसिबल हो पाई तनुज भाई की वजह से, क्योंकि हम लोग तो वैसे हर बात में मना कर दे रहे थे, सच में कोई सीरियस नहीं था, बट वो चीज़ें ऐसी हो गई कि हाँ हम लोग प्लान बना के निकल लिए, एग्जीक्यूशन हमारा अच्छा हो गया, हम टाइम टू टाइम हम लोग निकल लिए गाइस, तो आ गए एग्जीक्यूशन, प्लान हमारा हुआ ही नहीं था, हम लोग तो बस ऐसे अनसर्टन प्लान करके निकल लिए और बस यहाँ तक आ गए। आप आगे दिखाता हूँ गाइस, यहाँ 10 कदम आगे आ गए जहाँ पे हमारी दोस्त लोग आए थे वॉशरूम पे, तो ये दोनों ऐसे उछलते हुए चल रही हैं गाइस, आगे चल रहे हैं, आपको आगे का नज़ारा दिखाते हैं, यहाँ पे ठीक था गाइस, आओगे हमारे आ गए हैं यहाँ पे मसूरी में, पीछे गोरिल्ला गॉड ग्लर है, और यहाँ पे मैं आया हूँ एक ये कोस्टा कोस्टा कॉफ़ी कैफे है यहाँ पे निक जॉनस के पास, तो चल रहा हूँ एक्चुअली में ना मैं वॉशरूम ढूंढ रहा था गाइस, अभी तक तो मुझे वॉशरूम मिला नहीं है, तो बस यहाँ पे पता चला वॉशरूम है, बस ये अलाउ कर दें, उम्मीद तो नहीं है क्योंकि ये लोग हर जगह अलाउड नहीं करते हैं, बस यहाँ पे भगवान करे सेफ हो, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ी चाहिए गाइस, तो बस अभी यहाँ पे आ चुका हूँ, एक बार देख रहा हूँ क्या है, अभी बंदा आया नहीं, बंद ना कर दे वॉशरूम को, मीन्स देख रहा हूँ गाइस, आ गया हूँ वॉशरूम के पास ही, डर था वही हुआ, उसने देख लिया कि मैं आ रहा हूँ, और अजीब लोग हैं यहाँ गाइस, आते सीधा बंद कर दिया इसने, तो अभी मैं यहाँ पे हूँ, कौन सा है एड्रेस वन, ये एक काइंड ऑफ वो बना हुआ, एक प्यारा सा मॉल टाइप का बना हुआ है, यहाँ पे खड़े हुए हैं, और उसने क्या किया कि बंद कर दिया वॉशरूम, मुझे बहुत तेज़ी से आई थी, वेट कर रहा हूँ कि वो खोले, तो शायद मैं अंदर जाऊँ, यहाँ का व्यू दिखा रहा हूँ गाइस, बड़ा प्यारा बना हुआ है भाई, एक बार वो निकल के आए तो मैं शायद यूज़ कर पाऊँ वॉशरूम, बहुत अच्छी जगह है, फिलहाल तो लोकेशन बड़ी प्यारी लग रही है गाइस, यहाँ बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में, क्योंकि एकदम ना पूरा फॉल टाइप में बना हुआ है, चारों तरफ थोड़ा सा यूजी चीज़ें लग रही हैं गाइस, तो अभी के लिए मैं इधर ही हूँ, यहाँ से बेहतर ना आगे एक थोड़ी सी लोकेशन दिख रही है मुझे, वो गोरिल्ला करके क्या नाम है उसका, डून दरबार ब्लैक मेल, देख रहे हैं आप क्या प्यारी जगह बनी हुई है, मुझे ना कसम से जगह बड़ी अच्छी लगी यहाँ पे, बट गाइस ये ना कि सबसे बड़ा इशू होगा वॉशरूम का, और यहाँ पे वॉशरूम है नहीं, वो जो था उसने बंद कर दिया अंदर से जाके, उसने बंद किया या खड़ा किया ये नहीं पता मुझे, यहाँ पे मैंने पूछा एक्चुअल में उसने बंद कर लिया उसको, आई थिंक वो रिस्ट्रिक्टेड होगा, बट फिर अभी उससे मैंने पूछा कि यहाँ पे कोई है अदर वॉशरूम, तो उसने कहा कि हाँ यहाँ से जाना मुड़ना फिर उसके बाद होगा वो खुला होगा, बट यहाँ पे लिखा है ओनली फीमेल स्टाफ्स ओनली, आई डोंट नो व्हाई बट इधर फीमेल्स का है, आई थिंक इट्स फॉर द मेल, देख रहा हूँ कि कहीं मेल्स के लिए अगर मिल जाए यहाँ पे, तो गाइस अभी मैं निकल चुका हूँ मेल्स वॉशरूम ढूंढने के लिए, व्यू बड़ा प्यारा है यहाँ फिलहाल जहाँ पर मैं आया हूँ, इसमें लिखा तो फीमेल स्टाफ ओनली है, बट वो कह रहे हैं भैया कि आप यूज़ कर सकते हो, इसलिए मैं जा रहा हूँ गाइस, यहाँ पर इनका वॉशरूम बहुत ही नीट एंड क्लीन था, और एकदम आराम से फ्रेश हो गया, मुझे लगा फिर कोई कुछ बोलेगा, बट यहाँ पर किसी ने कुछ नहीं बोला, तो बड़ा अच्छा लगा ये गाइस, लोग देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब काफ़ी अच्छी लोकेशन है गाइस मॉर्निंग के लिए, मैं तो ये कहूँगा यहाँ पे नेचुरल वाइब है, हवा है, आपको यहीं आना चाहिए गाइस, हम लोग ना 25 किलोमीटर ऊपर चले गए,
25 किलोमीटर फिर से वापस आ रहे हैं। आपको हम व्यू दिखा रहे हैं पूरा पूरा यहाँ पे, देख रहे हैं प्यारे उधर पेड़ लग रहे हैं, चीज़ें दिख नहीं रही हैं बट मतलब मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्या बोल रहा है भाई, हमें कुछ बोल रहा है भाई भाई ये देखो यहाँ बैठने के लिए कुछ बना हुआ है, बैठते हैं। रेल की भाई बहुत फिलहाल बहुत लेके जा रही है। नहीं नहीं वो सही दिखा रहा है, 12 किलोमीटर अभी यहाँ से। अब मैं भी चला के रखा हूँ। हाँ हाँ भाई गाइस बड़ा प्यारा एकदम बना हुआ है गाइस। हम जहाँ से आए हमें वहीं से पीछे मुड़ना था। क्या हुआ, क्या कर रहे हो, वॉशरूम करने के लिए रुक रहे हो क्या? हाँ? चलो गाइज आपको मैं बाहर का व्यू दिखाता हूँ। तो गाइज ये देख रहा हूँ हमारा कैप्टन उतर लिया शिप से और हम आ चुके हैं यहाँ पे। अननोन सी प्लेसेस है समवेयर इन देहरादून बट आई डोंट नो वेयर आर यू। और हाँ ये कुछ जा रहा है, मछली ढूंढने जा रहे हो क्या भाई? तनुज भाई इधर देखो, मछली ढूंढने जा रहे हो क्या हैं? तो गाइज हमारे दो बालक अंदर बैठे हुए वेट कर रहे हैं। कोई ना, और देख रहे हैं आप यहाँ पे मतलब चीज़ें काफ़ी अच्छा लग रहा है इधर। आप यहाँ का नज़ारा देख रहे हो, मतलब सुकून सा मिलता है गाइस, कितना प्यारा लग रहा है इधर। आप कहीं भी कैसे भी बैठ सकते हो, लोगों से बात कर रहे हो यहाँ पे। एक तो ना मैक्स टू मैक्स ना जो टूरिस्ट हैं, मतलब मैक्स टू मैक्स जो भी हैं सारे टूरिस्ट हैं, तो यहाँ पे आपको ना चीज़ें थोड़ी सी मतलब कंफर्टेबल सी लगती हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ना मतलब व्यू इतना अच्छा है, अगर आप सिर्फ घूमने के लिए आ रहे हो सोच लो तो कितना प्यारा लग रहा है। और देख रहा हो आपसे हेलीकॉप्टर के, हेलीकॉप्टर भी दे रहे हैं टॉप पे जाने के लिए। यहाँ पे जो हेलीकॉप्टर अभी भी वहाँ पे उड़ ही रहा है, इसका प्राइस अराउंड 5000 के समथिंग इन्होंने दिया था कि एकदम टॉप पे जहाँ से भी हम लोग लौटे हैं। एक्चुअली हमने ना मतलब डिसाइड कर रखा है कि हमें किस लोकेशन पर पहले जाना है, तो उस हिसाब से हम अपना प्लान कर रहे हैं। और हम पहले ही मसूरी पहुँच गए, हमें पहले जाना था लोकेशन थी सहस्त्रधारा। अब वो काफ़ी अच्छी लोकेशन है, मतलब मुझे नहीं आइडिया बट तनुज भाई को पता है तो उन्होंने बोला था, तो उन्होंने कहा कि पहले उधर चलते हैं। अब हम लोग पहले ही पहुंच गए मसूरी, तो अब हम फिर से मसूरी से वापस आए क्योंकि हम ना पहले सोच रहे हैं हम नीचे की सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर लें, फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे ऊपर के लिए। ऊपर जब जाएंगे तो ऊपर मतलब सारी चीज़ों को एक साथ ही देख के ही फिर लौटेंगे। तो अभी के लिए बस वही हो गया है। और मेरे ना कान एकदम मतलब दग से गए। सो चलो तुम पीछे चलो, हो गया तुम्हारा व्यू, चलो जाओ आइए। तो अब गाइस मेरी बारी आगे बैठ के आपको व्यू दिखाने की। बहुत हाँ अब बहुत हो गया इसका व्यू देखना, आगे पीछे से बहुत देख लिया इसने। चलो मैं अभी तो गाइस तो गाइस आ चुके हैं हम, सॉरी देख रहा हूँ गाइस जिसकी गाड़ी है। तो तुम अभी लोकेशन बता रही हो ना,